ठीक है बच्चों, तो अब जो आएगा सो आएगा, हम लोग अपना शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने जीएसटी पढ़ा था, समझ में कुछ कुछ आया था क्या? पूरा आया था? आया था ना? जीएसटी बहुत ही बेसिक आइटम है, बहुत ही बेसिक टैक्स है, बहुत ही इजीली समझ में आता है। अभी कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी देखेंगे, आप लोग बड़ा खुश हो जाओगे। नहीं खुश क्यों होगे? अगर आपने पहले 17 टैक्स पढ़े होते और 17 टैक्स का कंप्यूटेशन आपसे करवाते और फिर उसको एकदम ड्रॉप करके अचानक से मैं कहता केवल एक ही टैक्स का कंप्यूटेशन करना है, तब जरूर आप खुश होते। नहीं समझ में आ रहा? कहां 17 टैक्स लगाओ, कहां एक टैक्स लगाओ। एक टैक्स में बस इसमें क्या है, स्टेप्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कल कि यहां पर हर बार वैल्यू एडिशन के दौरान टैक्स लगता है, बताया था कि नहीं बताया था? यहां पर पहला वैल्यू एडिशन हुआ, यहां पर टैक्स लगेगा, यहां पर वैल्यू एडिशन हुआ, यहां पर टैक्स लगेगा, और यहां पर वैल्यू एडिशन हुआ तो यहां पर टैक्स लगेगा। सारा टैक्स पे कौन करेगा? कस्टमर पे करेगा। सारा टैक्स पे कौन करेगा? कस्टमर पे करेगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, सारा टैक्स जो है वो पे करेंगे हमारे कस्टमर पे करेंगे, ध्यान रखना। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। जिसके लिए सामान बन रहा है वही टैक्स पे करेगा, जो खर्चा कर रहा है वही पूरा खर्चा करेगा। बाकी लोग तो कमाने के लिए बीच में है, तो खर्चा करने का काम रहेगा एंड यूजर का। ध्यान रखिएगा, एंड यूजर खर्चा करता है। अभी जैसे कि अब इसमें जीएसटी हो गया, तो हर स्टेट पे पहले क्या है, हर स्टेज पे अलग अलग प्रकार के टैक्स थे। ये आइटम बना रहे हो तो इस प्रकार का टैक्स है, वो आइटम बना रहे हो तो इस प्रकार का टैक्स है। प्रकार अलग अलग होते थे, टैक्स लगते थे हमारे ऊपर, अलग अलग तरीके के टैक्स आ रहे थे। समझे कि नहीं समझे? अभी क्या होता है, एक ही टैक्स लग रहा है। तो होता क्या है, जैसे कि तुमने 100 रुपया का आइटम लिया और उस पर फॉरन एग्जाम्पल कितने स्लैब होते हैं टैक्स के, 4 स्लैब होते हैं। कितने स्लैब होते हैं, कौन कौन से? 0 तो काय को गिनना, 17 नहीं 18 और 28, 4 स्लैब होते हैं, 5 12 18 28। किस बेसिस पर हैं ये समझ में आ गया था? बेसिक नीड के बेसिस पर। जिसकी नीड है उस पर बहुत कम, 0 शून्य। जिसकी नीड है, जो फिर नीड प्लस वांट है तो थोड़ा बढ़ा देते हैं, और वांट है बढ़ा देते हैं, और फिर जो पूरा लग्जरी है वो तो सबसे ज्यादा 28 में आता है। 28 से ज्यादा किसी का नहीं है, तो लग्जूरियस आइटम में टैक्स। कुछ चीजें जो है बड़ी, ऐसी चीजें बताओ जो टैक्स के बाहर है, ऐसी कुछ बड़ी चीजें बताओ जो टैक्स के बाहर है। बिंदी, अरे वो तो 0% स्लैब में आती है ना, मैं कह रहा हूँ जीएसटी में ही नहीं है, जो जीएसटी में ही नहीं है जो। अरे जीएसटी की कैटेगरी में है, 0% में है दूध, पैकेट वाला दूध 5% में है, सादा खुला दूध हमारा, खुला तो कोई नहीं लेता ना, ऐसे लोग दूध ले दो। खुला दूध का मतलब है मेरा पॉलीथिन में जो दूध आता है और घर में दे के जाता है, उस पर 0% है। पैकेट वाले दूध पर हमारा या स्किम्ड मिल्क पर हमारा बढ़ के 5% हो जाता है। तो ऐसे कौन से आइटम है, कल मैंने बताए थे, जो है ही नहीं जीएसटी के स्लैब में, है ही नहीं फ्रूट, वो 0% में है। प्रॉपर्टी भी, प्रॉपर्टी नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही ना, प्रॉपर्टी गुड्स में नहीं आता, प्रॉपर्टी अलग ही है। प्रॉपर्टी है वो डायरेक्ट टैक्स होता है प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अरे कल नहीं बताया था, बताया था कि नहीं बताया था? तेल, पेट्रोल, पेट्रोल हर राज्य में अलग अलग रुपये का मिलता है, क्यों मिलता है बताया था नहीं बताया था? क्यों मिलता है हर राज्य में अलग अलग पैसे का? हर राज्य अपने हिसाब से टैक्स लेता है, कोई राज्य कम टैक्स लेता है, यूपी कम लेता है, एमपी ज्यादा लेता है, इसलिए यूपी में सस्ता है उसमें महंगा है। सेंट्रल भी टैक्स लेता है, लिखो नहीं बेटा इसमें, बच्चा लिख रहा था, उसको मना करते हैं, उसको उसको उसके प्रिविलेज खींच लेते हैं अपन, प्रिविलेज खींच लिया, बोल लिख नहीं पाएगा। तो बात इतनी सी है, टैक्स जो है, कुछ चीजें हैं जो टैक्स के, जीएसटी टैक्स के बाहर हैं। जैसे कि कौन सी चीज बाहर है जीएसटी के, एक तो हो गया पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सारे हमारे जीएसटी के बाहर हैं। दूसरी चीज हो जाती है लिकर। लिकर एक ऐसी चीज है जो कि हमारे उसके बाहर है, उसमें भी हर राज्य में अलग अलग प्रकार से, और पता हर राज्य में
उसमें इतना भयंकर टैक्स होता है ना लिकर पे कि कहीं पर किसी राज्य में कम होता है तो वो 4-4 सौ, जैसे मान लेते हैं 1,000 रुपए की एक बोतल है, कहां पर? उत्तर प्रदेश में। सेम बोतल तुम खरीदोगे गोवा में, वो मिलेगी तुम्हें 400 रुपए की। 600 रुपए कौन ले रहा है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। कितनी बोतल पे? 1,000 रुपए की बोतल पे कितना परसेंट टैक्स हो गया? 60%। है ज्यादा? दिल्ली में अलग लगता है, इस राज्य में अलग, उस राज्य में अलग, इस राज्य में अलग, हर राज्य में अलग। कुछ राज्यों में तो लेकर बैन ही है, वो तो कहते हैं टैक्स लगाने से लोग मानेंगे नहीं तो इसको बैन कर देते हैं। बैन कर लिया तो सबका अपना अपना, राज्य का भी सोचना है, लोगों के भी तो अलग अलग होते हैं, हर राज्य के लोगों की प्रवृत्तियां अलग अलग होती हैं, लोगों के खाने पीने के तरीके अलग होते हैं, इसलिए कुछ चीजें हैं जो उनके हिसाब से। और मैंने कल क्या बताया था, कितने उसमें टोटल वो रहता है, टोटल कितने हैं जो प्रोडक्ट हमारे उसमें आते हैं? हाँ मैंने 1200 बोले थे क्या? 1400 है तो तुम्हारे हिसाब से, तुमने कहा पड़े 1400, कल मैंने 1200 बोले थे। अगर कहीं 1400 है तो मुझे बताना जरूर। तो देयर आर अराउंड 1200 प्रोडक्ट्स अंडर जीएसटी स्लैब्स। 1200 प्रोडक्ट जीएसटी स्लैब में। क्या गर्मी लग रही है? वो तो लगेगी, उधर बैठे हो तो ये कमरे में लगती है। करेंगे अपन व्यवस्था करेंगे, ये कमरे में लगती है गर्मी। तो जीएसटी स्लैब जो है वो डिसाइड करी जाती है। मैंने आपको कल बताया था कुछ आइटम्स होते हैं जिनमें कोई भी टैक्स लगना भी नहीं चाहिए। आइटम ऑफ जूट हो गए, जूट के आइटम है, जूट का थैला बनता है ना, जूट की रस्सी बनती है, इन पे कुछ नहीं लगता है। उसके अलावा हमारे मिल्क हो गए, जूट के बैग थाल बैग वैग भी बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती है जूट की। फिर ये चलो 0% हो गया हमारा, 5% हो गया हमारा, 0%, 5%, 12% और 18%, फिर 28%। 0 तो हटाई तो 0 में तो क्या टैक्स है? ये स्लैब बेसिकली 5, 12, 18, 28 की होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे जीएसटी कंप्यूटेशन पे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स में आपको एक चीज जाननी है बच्चों, यहाँ पर दो प्रकार के टैक्स के बारे में आपको चर्चा करनी है, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। लोग बहुत ही परेशान हो गए थे ये जान करके कि हमको हर स्टेज पे टैक्स देना है, हर स्टेज पे। आप सोचो अगर 18% पहली बार लग गया, फिर 18% दूसरी बार लग गया, फिर 18% तीसरी बार लग गया, फिर 18% चौथी बार लग गया, हर वैल्यू एडिशन की स्टेज पर टैक्स लग गया तो कितना बुरा होगा? वाह, तो हम मैचिंग मास्क कहाँ है? हैं? मास्क ले गई, तुम्हारा मास्क फ्रेंड ले गई। ऐसा भी होता है मास्क भी दे देते हैं लोग, मास्क नहीं दिया करो बेटा। उसने कहा कोई नहीं, तुम भी पवित्र, मैं भी पवित्र, दोनों ही पवित्र हैं, हम लोग गंगा जल की तरह पवित्र हैं, हम लोग को मास्क एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। क्या यार, तो कॉम्प्यूटेशन ऑफ जीएसटी, तो वो तो फिर मैचिंग मास्क ले गई तो वो टी शर्ट भी ले गई होगी ना। अच्छा खाली मास्क ले गई, उसकी मास्क की खासियत क्या थी? कि वो टी शर्ट के साथ मैच कर रहा था, नहीं तुम्हें नहीं लगता ऐसा था? हाँ तो उसकी खासियत थी ना ये, तो अगर आपने उसको उनको दोनों को बिछड़ा बिछड़ बिछड़ दिया, अलग अलग कर दिया, कितना दुखी हो रहे होंगे दोनों, मास्क और टी शर्ट। हाँ ये सही है, मांग लो कह दो टी शर्ट का, रो रो के बोला बुरा हाल हो गया मेरी, ऐसे बताओ टी शर्ट के साथ मास्क आया, ऐसे ऐसे बिल्कुल जो जो जुड़वा भाइयों को बिछड़ देते हैं ना, ऐसा हो गया उनके साथ। कंप्यूटेशन ऑफ क्या? मास्क नहीं, जीएसटी, जीएसटी का कंप्यूटेशन। तो हर वैल्यू एडिशन की स्टेज में जीएसटी लगता है, ध्यान रखना, वैल्यू एडिशन की हर स्टेज में जीएसटी लगेगा। तो तुम लोग ने जीएसटी पढ़ा है क्या? क्यों आदित्य, अर्थ, सिद्धि? यस सर। पढ़ा है थोड़ा थोड़ा, पूरा पढ़ा है? यस सर। तो सिद्धि तुम लड़की हो कि लड़का हो? सर लड़की।
तो तुमने यस सर क्यों नहीं बोला अभी? मुझे लगा सिद्धि ने बोला और लड़की की आवाज आई। तो बात यह है कि जीएसटी जो है एक बहुत ही साधारण सा टैक्स है। कल तो मैंने आपको उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताया था, आज उसकी गणित बताते हैं और आज ही हमारा जीएसटी टैक्स खत्म हो जाएगा और जीएसटी खत्म हो जाएगा। आज आप सवाल करने के लिए फ्री हो जाओगे। इतनी छोटी सी बात बताऊंगा और आप फ्री। कल जो मैंने आपको बताया उसमें क्या चीज याद रखने वाली है कि जीएसटी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार से बांटते हैं। एक होता है पहला इंटरस्टेट और एक इंट्रा, सही कह रहा हूँ, और दूसरा इंटर। इंट्रा मतलब विद इन दी स्टेट और इंटर मतलब स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। अब इंट्रा स्टेट मतलब जैसे कि तुमने झांसी में एक सामान बनाया और तुम कानपुर में बेच रहे हो, तो यूपी 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 इंट्रा स्टेट हो गया। झांसी में बनाया ओरछा में बेच रहे हो, यूपी एमपी इंट्रा स्टेट हो गया। गॉट इट? यूपी एमपी इंटर स्टेट हो गया, सॉरी। तो आपको टैक्स, अब जो व्यवस्था है टैक्स की वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। जो इंट्रा स्टेट होता है उसमें दो टैक्स होते हैं, सीजीएसटी बोले तो और एसजीएसटी बोले तो स्टेट जीएसटी, वेरी गुड। और जो इंटर स्टेट होता है उसमें एक ही रहता है क्या? आईजीएसटी। अच्छा, जो स्टेट जीएसटी है ना उसके अलावा यूनियन टेरिटरीज भी तो है, इसलिए यूटी जीएसटी भी होता है। कुछ फर्क पड़ेगा क्या उससे? अरे जैसे तुमने जो कल पाव भाजी इधर खाई थी तो इधर के में क्या लिखा था? सीजीएसटी, और नीचे क्या लिखा था? एसजीएसटी। और यही पाव भाजी दिल्ली में खाओगे तो क्या लिखा रहेगा? सीजीएसटी और यूटी जीएसटी। नहीं समझ में आया? कुछ फर्क पड़ेगा? भारत में कितने राज्य हैं? 28। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9। यूनियन टेरिटरीज? 9। यूनियन टेरिटरीज है। कितनी यूनियन टेरिटरीज में विधानसभाएं हैं? 3 यूनियन टेरिटरीज में विधानसभाएं हैं। कौन कौन से में? जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में और पुडुचेरी में। ठीक है बच्चों, हाओ तुम्हें क्या लगता था क्या है? पढ़ा नहीं तुमने? अच्छा तुम्हें क्या लगता था इतने दिनों से वो जो सीए उसका वो बवाल था उसके जस्ट पहले, अबॉर्गेशन ऑफ आर्टिकल 370, वो क्या था? सुना, सोचा तुम भविष्य में क्या करना चाहती हो? ठीक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर करंट अफेयर से कोई खास लेना देना नहीं है, साइंस पढ़ना तुम अच्छे से। तो अगर कोई मतलब पब्लिक सर्विस में जाना चाहता है तो फिर करंट अफेयर्स के साथ उसका जुड़ाव रहना चाहिए। और वैसे आम भारतीय के तौर पे भी आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज हैं जो भारत के इतिहास में हुए हैं उनको भी आपको जानना चाहिए। तो अबॉर्गेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो है उसके बाद दो नई यूनियन टेरिटरी पैदा हो गई, जो स्टेट हुआ करते थे 29 हुआ करते थे। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था जिसको स्पेशल दर्जा दिया गया था, उसको हटा करके ऐसा कर दिया। अभी जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा है, वो बड़ा स्टेट है, तो जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा है, यूनियन टेरिटरी है, बड़ी यूनियन टेरिटरी, तो विधानसभा उसमें है। अच्छा, तो जीएसटी के जो भी चेंजेस वेंजेस करने होते वो कौन करता है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर क्यों करेगा? नहीं, एक टीम बनाई है गवर्नर, बस करो तुम, एक टीम बनाई है। हाँ, 33 मेंबर वाली। क्या क्या बेटा? फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन नहीं, उसका नाम है जीएसटी काउंसिल। 33 मेंबर वाली एक काउंसिल है। क्या नाम है उसका? कौन से प्रोडक्ट को किस सिलेब से उठा के किस सिलेब में डालना है ये डिसाइड कौन करेगा? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी इन क्या होता है? क्या होता है जीएसटी इन? इंटीग्रेटेड जीएसटी। क्या कह रहा बेटा? सर इंटीग्रेटेड जीएसटी नहीं, वो तो फिर अलग टाइप का जीएसटी हो गया ना। मैं कह रहा हूँ कि जीएसटी इन में इन क्या स्टैंड करता है, तुमने नहीं पढ़ा क्या? यार कैसे नोट्स बना रहा है तू? आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटी इन बोले तो जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का होता है। शुरू के दो डिजिट क्या बताती हैं?
स्टेट कोड होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्या, पैन नंबर। क्या आता है, पैन नंबर मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर होता है एक, जो सरकार तुम्हें देती है और सारे जो बैंक के वो सब रहते हैं सब उसमें लिंक रहता है, पैन में सारी फाइनेंशियल एक्टिविटी तुम्हारी पैन में लिंक रहती है। उसके बाद आखिरी के तीन नंबर रैंडम होते हैं, जो कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं, जिससे कि हर व्यक्ति का अलग अलग बने, ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है। ठीक है, अब उसके बाद कल की आइडेंटिफिकेशन हो गया, जीएसटी काउंसिल भी हम लोगों को समझ में आ गई और जीएसटी क्या है, कैसा है ये भी। अब जीएसटी के और करंट अफेयर्स हैं तो और भी हम जान सकते हैं कि जीएसटी कौन से नंबर का बिल था, कौन से नंबर का संविधान में संशोधन है, कौन से नंबर में उसको डाला गया है, कौन से में नहीं, तो ये थोड़ी ज्यादा अंदर की बात हो जाएगी, ये यूपीएससी लेवल की बात होगी। जीएसटी शुरू किसने किया था, फिर कहाँ गया, फिर कहाँ गया, फिर क्या हुआ उसके साथ, तो ये सब बातें अलग हैं, एक्स्ट्रा हैं, वी डू नॉट नीड टू नो अबाउट दिस राइट नाउ। कंप्यूटेशन बस करो यार, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी में मैंने आपको बताया हर वैल्यू एडिशन की स्टेज में क्या लगता है, टैक्स लगता है। हर वैल्यू एडिशन की स्टेज में टैक्स लगता है। अगर हर वैल्यू एडिशन की स्टेज में टैक्स वाकई में हमसे पूरा पूरा लेने लगे तो कितना बुरा होगा। जीएसटी के लिए एक बवाल ये भी था कि हर वैल्यू एडिशन की टैक्स में उसमें तुम टैक्स लोगे तो पागल ही हो जाएगा एंड यूजर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, तब तो फिर और इसमें दिक्कत पता क्या होती, फिर क्या होती, फैक्ट्रियां सीधे ऑनलाइन माल भेजती, ऑनलाइन से सीधा घर आ जाता, बीच के जो सब हैं दुकान वुकान सब समाप्त। नहीं समझ में आया, दुकान में जाएगा तो वैल्यू एडिशन हो जाएगा, जबकि उधर सीधा फैक्ट्री से कस्टमर के पास आएगा ऑनलाइन के थ्रू, तो वहां पर वैल्यू एडिशन कम, तो वो माल ऑब्वियसली सस्ता पड़ेगा, बाजार की दुकानों का माल ऑब्वियसली महंगा पड़ेगा, इसीलिए सारे व्यापारी परेशान, ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक, तो वैल्यू एडिशन टैक्स ऐसा नहीं है, ऑल्दो जो डायरेक्ट फैक्ट्री से मिलेगा वो सस्ता तो मिलेगा, क्योंकि वहां पर उनके प्रॉफिट भी तो नहीं लग रहे ना बाकियों के, समझ गए ना। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी कैसा है। जैसे कि हम लोग ने बनाई फैक्ट्री, फैक्ट्री में माल बना, फैक्ट्री से किधर जाएगा, फैक्ट्री से माल किधर जाएगा, हाँ अबे यही तो मैन्युफैक्चरर है, फैक्ट्री वाले तो मैन्युफैक्चरर है, डीलर के पास जाएगा, जिसको हम होलसेल डीलर कहते हैं। ठीक है, हम मतलब और भी कई जगह जा सकता है, वो माल के टाइप पर भी डिपेंड करता है, कौन से माल की बातचीत चल रही है यहाँ पर। तो अभी हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक डीलर भी हम डालते हैं बीच में, एक होलसेल डीलर हो गया कोई, फिर उसके बाद होलसेल डीलर के बाद कौन आता है, कौन आता है होलसेल डीलर के बाद, शॉपकीपर यानी कि रिटेलर। शॉपकीपर को हम लोग दूसरी भाषा में रिटेलर भी कहते हैं। एक बस आपको समझना है ढंग से, उसके बाद फिर क्या है, जबरदस्ती की चीजें मुश्किल करने के लिए, अगर ऐसा नहीं होता तो वैसा क्या, जैसे कि ये जीएसटी अगर इधर बेचेगा तो क्या लगेगा, उधर बेचेगा तो क्या लगेगा, वो फिर एक्स्ट्रा चीजें हमसे पूछ रहे हैं। लेकिन बेसिक जो है वो यहीं पर है कि आपको हर स्टेज पर लगेगा तो देना कैसे है, मतलब जीएसटी रिटर्न क्यों आता है, क्यों एग्जिस्ट करता है जीएसटी रिटर्न। ठीक है, अभी इसको थोड़ा और
किसका लें? आपको हर स्टेज पर लगेगा, लेकिन हर स्टेज पर वो ऐसा नहीं लगेगा कि जो लग गया तो बस सरकार के पास पहुंच गया, नहीं। आप जीएसटी रिटर्न भरोगे, आपको गिव इन रिटर्न पर अगर आपने ज्यादा भर दिया होगा तो आपको वापस भी मिलेगा, ये भी व्यवस्था है। फिर आपको आगे जीएसटी भरना भी नहीं है, ठीक है। फाइनली आते हैं हमारा एंड यूजर। आ गए, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। प्राइस, कोई भी मुझे बताए प्राइस, मतलब क्या बना रहे, बना क्या रहा है यहाँ पर? क्लोथ्स, लेट्स से क्लोथ्स। तो हमने एक टी शर्ट बनाई, प्राइस क्या रखा उसके फैक्ट्री से, वो कितने रुपए में गई है? 200 रुपए में गई, तो 400 रुपए में हर चीज महंगी खरीद लो, तुम महंगी खरीद लो। चलो 400 रुपए में गई फॉर एन एग्जाम्पल, या 500 रुपए, 500 थोड़ा सा ठीक, सब ठीक है, वैसे सारे ठीक है, आसानी हो जाएगी 500 में। यहां से सामान गया 500 रुपए, उसका मार्केट प्राइस था, मार्केट प्राइस या सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस था। अब इस मार्केट प्राइस मतलब फैक्ट्री को 500 रुपए चाहिए, तो फैक्ट्री को 500 रुपए चाहिए, तो ये जो है अपना डीलर जो है वो 500 रुपए देगा क्या? 500 से ज्यादा देगा ना, सरकार टैक्स लेगी। अच्छा, इस फैक्ट्री के लिए कि डीलर ही कस्टमर है तो इनसे टैक्स लेगा वो, क्या हुआ अभी नहीं देख रहा मैं, डीलर है, डीलर कस्टमर हो गया, उससे टैक्स लेगा। किस स्लैब में लाना चाहते हो क्लोथ, किस स्लैब में रहते हैं? वैसे लग्जरी क्लोथ अगर और महंगे ब्रांड चले जाते हैं, 28 में भी आते हैं, 18 में भी आते हैं, हम 18 कर लेते हैं, 12 कर लेते हैं, 12 वाली स्लैब में डाल देते हैं, 12 वाले सस्ते कपड़े। 12 वाली स्लैब में हम आ गए तो 500 का 12% कितना हुआ? 60 रुपए। 500 का 12, 12 पंचे 60, 60 रुपए हो गया, तो 60 रुपीज लगेगा। तो इसके पास कितने का आया? वो 560 का हो गया। अब 560 का हो गया, अब ये कितने रुपए में आगे बेचेगा? ऑफ कोर्स 560 से तो ज्यादा बेचेगा, लेट्स से इसको प्रॉफिट चाहिए, तो ये 700 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। 560 में इसके पास पहुंचा आइटम और इसको प्रॉफिट चाहिए, तो ये कितने में बेच रहा है? 700 रुपीज में। तो यहां पर उसका मार्केट प्राइस हो गया 700 रुपीज। इसने अपनी मेहनत, रखने का खर्चा, ये सब निकाल लिया और अपने लिए कुछ पैसा बचा लिया, तो 700 रुपए इसने भेजा, ये मार्केट प्राइस हो गया। जीएसटी का रेट यहां पर भी मान लेते हैं 12% है। ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआत में 12 ले लिया हो, आगे ज्यादा हो जाए, क्यों? ऐसा हो सकता है कि मान लेते किसी ब्रांड ने ले लिया, वही जैसे कि जो बहुत ही बड़े ब्रांड होते हैं फॉरेन के, जो जूते बनते हैं वो आगरा में और कानपुर में बनते हैं, बहुत बड़े ब्रांड जो भारत में बिकते भी नहीं है, तो वो इधर से जिस टैक्स पे ले जाते हैं उधर तो उनपे कई गुना बढ़ जाता है, उनका ब्रांड लगने के साथ ही, नाम लगने के साथ ही, ब्रांड का ठप्पा लगने के बाद उनके प्राइस बढ़ जाते हैं, तो वो भी एक तरह का वैल्यू एडिशन है, तो उसके बाद वो प्राइस बढ़ जाता है तो वो कैटेगरी बदल के लग्जरी में आ जाता है, लग्जरी में आ जाता है तो फिर उसका लग्जरी के हिसाब से पैसा भी लगता है। अभी इधर बताओ मुझे, तभी तो कहते हैं एसी शोरूम, एसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो तो अलग टैक्स है, बाहर बैठ के खा रहे हो, ढाबे पे खाना खा रहे हो तो अलग टैक्स है, ऐसा भी होता है। अब मुझे ये बताओ, 700 रुपए हमारा मार्केट प्राइस है और 12% टैक्स है, बताओ कितना हो गया? 84 रुपए लग गया यहाँ पर टैक्स, तो जीएसटी लग गया यहाँ पर 84 रुपए। अब सुनना जरा यहाँ पर, तो इस वाले के पास कितने में पहुंची, स्टोर पे कितने में पहुंची? 784 रुपीज में, ठीक है, 12% लग गया 784 रुपीज में, ठीक। अभी जीएसटी कितना जाएगा, हम ये व्यवस्था बनाने वाले हैं। पहले इधर देखो तुम, यहां पर ये जो
इस आदमी को 700 ही चाहिए थे ना, लेकिन इसके पास ये इसके पास कितने आ गए, 784 रुपीज आ गए। वो पे किया जो स्टोर ने, वो किसको पे किया, डीलर को पे किया ना, स्टोर ने डीलर को पे किया। कितना पे करेगा डीलर को, 784 टैक्स लगा के। अब डीलर क्या करेगा, रिटर्न भरेगा। कौन सा रिटर्न, जीएसटी रिटर्न। कौन सा रिटर्न भरेगा डीलर, जीएसटी रिटर्न भरेगा। अब जीएसटी रिटर्न देखो कितना है, यहां पर ये कितना टैक्स पहले दे चुका है, 60 रुपीज जीएसटी यहां दे चुका है, ठीक है। और अब इसके पास टैक्स के रूप में कितना आया, 84 रुपीज आया, ठीक है, 84 रुपीज टैक्स आया। और ये पहले से कितना दे चुका है, 60 दे चुका है, तो अब ये कितना रुपए देगा इस 84 में से, 24 रुपीज देगा। ये पूरा थोड़ी देगा, टैक्स पेड बाय जीएसटी रिटर्न फाइल्ड ऑन प्रोडक्ट इज आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। Why? Because input tax he already paid while buying the product from the factory. So he is not going to pay again on the same product. मतलब वो उसके पास आ चुका है। अगर वो पे करेगा तो एंड यूजर को महंगा हो जाएगा ना आइटम। 60 रुपए पहले चला गया, 84 रुपए सरकार के पास फिर जाएगा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सरकार कह रही तुम जब वैल्यू एडिशन कर रहे हो हमें वो वाला दो। वैल्यू एडिशन जो तुम कर रहे हो, जो तुम्हारा वैल्यू एडिशन है, उसकी वजह से हमें टैक्स दो। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि जो तुम पहले दे चुके वो भी चाहिए। तो वो जीएसटी रिटर्न फाइल करता है। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता क्या कि इस डीलर के पास माल सड़ जाए, रखा हुआ सड़ जाए? इज इट अ पॉसिबिलिटी और नॉट? ऑफ कोर्स इट इज अ पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी ये हो गई, तो स्टोर क्या अब उससे ज्यादा में खरीदेगा, कम में खरीदेगा ना? अब कम में खरीदेगा तो इसका मतलब क्या है, मतलब जैसे डीलर तो नुकसान में गया, जीएसटी का क्या होगा? जैसे कम में खरीदा, फॉर एन एग्जाम्पल ये 560 में ना बिक करके ये 700 रुपए नहीं मांग रहा। अब इसने 560 का खरीदा था, अब ये 700 रुपए नहीं मांग रहा, ये मांग रहा है 400 रुपए मांग रहा है। खराब हो गया उसकी उसकी टी शर्ट, फट गई, थोड़ी सी फट गई, हल्का सा उसमें स्क्रैच आ गया, लेकिन फिर भी स्टोर कह रहा है हमें दे दो, हम उसको बेच लेंगे सस्ते में दो। लेकिन तो होगा क्या, ये 400 रुपए में बेचेगा, 400 रुपए में फिर 12% लगाओ, कितना आ रहा है, 48 रुपीस, ठीक। ऑलरेडी वो कितना पे कर चुका है, 60 रुपीस, और अभी उसे कितना मिला टैक्स। अब वो एक्स्ट्रा कोई पे नहीं करेगा, वो जीएसटी फाइल करेगा, वो ये करेगा इसमें, तो उसको 12 रुपए वापस आएंगे, 12 रुपए, समझ गए। उसे अब कोई एक्स्ट्रा टैक्स पे नहीं करना है, मतलब जब सस्ते में सामान जाएगा, मतलब आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स का लफड़ा, समझ गए। इनपुट टैक्स वो जब तुम खरीदोगे, जब तुम खरीदोगे तो यू आर द कस्टमर हियर, यू विल पे द टैक्स। जब तुम बेचोगे तो कस्टमर विल बी समवन एल्स, ही इज गोइंग टू पे यू इन एक्स्ट्रा मनी टू पे गवर्नमेंट द टैक्स। बट आप ऑलरेडी कुछ पे कर चुके हो, आप ऑलरेडी कुछ पे कर चुके हो, तो आप वो नहीं करोगे, और वो जो ऑलरेडी वाला है और नया एक्स्ट्रा जो आया उसमें घटा करके जो बचा है वो पे करोगे, क्योंकि 60 तो आप दे ही चुके हो ना। आपको कितना देना है सरकार को, 84 रुपए। कस्टमर ने कितना दिया, 84 रुपए। सरकार के पास पहले से कितना है, 60 रुपए। सरकार को और कितना चाहिए, 14 रुपीज, ठीक, 84 हुआ ना यहाँ पर। अरे वो घटाने वाला आगे भी बताएंगे हम दोबारा, मैं तो बीच में ले आया था, अभी हम वैल्यू एडिशन करते चले जा रहे हैं। तो वैल्यू एडिशन करते हैं, 784 रुपए का माल पड़ा, 784 रुपए के माल में 84 रुपए टैक्स हुआ, 84 लेकिन तुम्हें देना नहीं है। आउटपुट टैक्स कितना हुआ, 84, इनपुट टैक्स कितना हुआ, 60, कितना बचा, 24 बचा ना, तुम लोग 14 क्यों कह रहे हो, 24 रुपीज बचा। This he is going to pay the government. और 60 रुपए कौन पे करेगा, 60 रुपए इसने इसको दिए ना, फैक्ट्री को कितने चाहिए थे, 500। फैक्ट्री के पास कितने आ गए,
560 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दिए इसने? जीएसटी दिया। तो अब ये फैक्ट्री क्या करेगी, 500 रुपए अपने पास रखेगी और 60 रुपए किसे देगी? लालची आदमी क्या करेगा, जेब में रख लेता है, तो इसको कहते हैं जीएसटी फ्रॉड। जेब में रख लेता है तो इसको क्या कहते हैं? और जीएसटी फ्रॉड पे क्या होती है? जेल। जेल है भाई साहब जीएसटी फ्रॉड पे सीधा, समझ गए? यहां से 60 रुपीज टैक्स आया, यहां से 24 रुपीज टैक्स आया। अभी जो फाइनल कस्टमर है उसने कितना दिया? 84 रुपए। और सरकार के पास कितना पहुंच गया? 60 और 24 84 रुपए। कैलकुलेशन कैसा है? एकदम बराबर है, गड़बड़ तो नहीं है। टैक्स जितना दे रहा उतना सरकार के पास ही जा रहा है, एक्स्ट्रा तो नहीं दे रहा है कोई टैक्स, सरकार एक्स्ट्रा तो नहीं ले रही। 84 कस्टमर से गया, 84 ही पहुंचा, ज्यादा तो नहीं पहुंचा। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइनली अब 784 रुपए का आइटम इस स्टोर को पड़ा, ये कितने में बेचेगा? 1000। कितने में बेचेगा? मतलब इसको 1000 चाहिए। किसको 1000 चाहिए? स्टोर को 1000 चाहिए। तो मार्क प्राइस कितना हो गया? यहां से मार्क प्राइस है 1000। ठीक, अब मार्क प्राइस 1000 है, कितना टैक्स लगा रहे अपन लोग हर बार? कितना आ गया? 120 रुपीज। ठीक है, 120 रुपीज आ गया। अब इस ट्रांजेक्शन के लिए, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए जो स्टोर से हुआ ट्रांजेक्शन, उसके लिए ये आउटपुट टैक्स हो गया 120 रुपीज और इनपुट टैक्स हो गया 84 रुपीज। कितना हो गया? क्यों रे, तेरे को घटाना नहीं आता और क्या? क्यों नहीं कर रहा कैलकुलेट? बाकी लोग कर लेंगे, तू नहीं करेगा? 36। तो टैक्स हमने किया 84 6 90 90 और 30 120, तो कितना हो गया? 36 रुपीज हो गया। अब ये स्टोर कितना पे करेगा? 120 रुपीज। 36 क्यों करेगा? क्योंकि 84 तो वो पहले दे चुका है इसको। तो यहां से सरकार के पास कितना आया? 36 रुपीज टैक्स और आ गया। पहले से कितना हो गया था? 60 प्लस 24 84 84 और 36 120। एंड यूजर ने कितना पे किया टैक्स? सरकार के पास कितना गया? टैक्स पेड बाय एंड यूजर, और टैक्स रिचेस टू द गवर्नमेंट इज एक्स। हर स्टेज पे ज्यादा तो नहीं लिया, मतलब इन बीच वालों ने तो नहीं दिया कुछ? बीच वालों ने किसी ने टैक्स दिया क्या? सरकार के पास कितना गया और एंड यूजर से कितना गया? बराबर बराबर, मस्त एकदम, मजा आ गया। समझ में नहीं आया? अब इसमें सवाल और क्या पूछते हैं कि किसके पास कितना गया? सवाल पूछते हैं किसके पास कितना गया। लेट्स से ये सारा का सारा व्यवस्था, सारी की सारी व्यवस्था जो है एक ही राज्य में हुई, इधर ही फैक्ट्री है, यूपी में ही फैक्ट्री, यूपी में ही आदमी ने खरीद लिया, तो 120 रुपए सरकार के पास गया, उसमें 60 रुपए किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और बाकी 60 रुपए स्टेट गवर्नमेंट के पास। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, बीच बीच में ऐसा भी हो सकता है कि यहां शुरुआत के दोनों काम जो है हमारे उधर ही हुए हैं, जैसे फैक्ट्री भी हमारी राजस्थान में है और डीलर भी राजस्थान से ही माल खरीद रहे हैं हम। लोग इधर से झांसी से कपड़े खरीदने सूरत, मुंबई, दिल्ली, ऐसी जगह कपड़े खरीदने जाते हैं, राजस्थान जयपुर कपड़े खरीदने जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो स्टोर हो गए, लोग मतलब स्टोर। मेरा एक दोस्त है, उसकी बड़े बाजार में लड़कियों के कपड़ों की दुकान है। ठीक है, तो वो सूट वगैरह बेचता है, सूट वगैरह खरीदने के लिए अब वो बेचता है, वो स्टोर है, तो वो खरीदने के लिए फलाना फलाना जगह जाता है, जो मैंने नाम बताए, उसने बताए थे इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। तो ऐसी ऐसी जगह वो जाता है। अब ऐसी जगह वो जाएगा तो इसका मतलब डीलर से खरीदेगा ना, कि फैक्ट्री से खरीदेगा? सीधा डीलर, होलसेल डीलर से खरीदेगा। तो क्या होगा, इस स्टेज पे जो टैक्स गया 60 रुपए, वो किसके पास गया? 30 रुपए सेंट्रल के पास और 30 रुपए स्टेट के, कौन से स्टेट के पास? राजस्थान के पास। मैं अभी राजस्थान से बात करते हैं अपन, राजस्थान के पास गया। फिर यहां से जो
इसने एक्स्ट्रा कितना दिया, 24 रुपए, 24 में से 12 किसके पास गया, 12 किसके, सेंट्रल, आधा तो सेंट्रल लेगा ना, आधा सेंट्रल लेगा, लेकिन अब जो व्यवस्था है वो स्टेट से उठ के दूसरे स्टेट में चली गई तो इंटर स्टेट हो गई, तो बाकी के 12 रुपए किसको मिलेंगे, जिसमें गया उसको, डेस्टिनेशन जीएसटी भी कहते हैं। इंटीग्रेटेड जीएसटी का दूसरा नाम क्या है, तो जो बचे 12 रुपए वो इंटीग्रेटेड जीएसटी के चलते इनको मिल गए, और फिर उसके बाद इधर से गया तो इधर से फिर से 36 रुपए मिले, 18 रुपए सेंट्रल के पास गए और 18 रुपए बाकी इसी स्टेट के, इसी स्टेट में बिक गया तो इसी स्टेट को मिले। क्लियर हो गई व्यवस्था। राजस्थान देखो इस तरीके से क्या राजस्थान सरकार को फायदा नहीं है, अगर राजस्थान राजस्थान से खरीद रहे वो तो शुरुआत में राजस्थान सरकार ने भी तो कुछ टैक्स ले ही लिया, समझ रहे हो मेरी बात के नहीं समझ रहे हो, शुरुआत में राजस्थान सरकार ने भी तो कुछ टैक्स ले ही लिया, तो राजस्थान सरकार को भी अपने यहाँ फैक्ट्री डालने का फायदा है ही, तो इसीलिए हम जो जब बिकता है माल तो डेस्टिनेशन को देना चाहते हैं, क्योंकि उनने तो पहले ले ही लिया होगा, पहली स्टेज में ही ले लिया होगा, और जो काम करते हैं उनके मजदूर वजदूर वो सब तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है ही है। तो जीएसटी का कंप्यूटेशन समझ में आया, भूलोगे तो नहीं, किसको कितना पैसा मिलेगा समझ में आ गया। अब सेम सिनेमा हॉल में नीचे वाले सीटें जो होती हैं उनके टिकट पर अलग जीएसटी लगता है, और जो लग्जरी सीटें होती हैं उनके टिकट पर अलग जीएसटी लगता है, ठीक है, तो ऐसा भी है, सिनेमा हॉल की सीटों का भी अलग अलग बंटवारा है, अलग अलग जीएसटी वाला ड्रामा भी है, तो इसीलिए लोग कहते हैं कि जीएसटी कॉम्प्लिकेटेड है, पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो नहीं है, ध्यान से देखें तो नहीं है। अगर आप लोग ब्रेड खा रहे हो तो जीएसटी कम दोगे, लेकिन स्पेशल क्वालिटी की ब्राउन ब्रेड विद मल्टीग्रेन विद ऊपर से थोड़े से वो बीजे छिड़क के वो ब्रेड महंगी हो जाती है, समझ गए मेरी बात, तो वो महंगी इसलिए भी होती है क्योंकि वो बनाने का ड्रामा कर रहे हैं, उसका भी एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं और टैक्स भी थोड़ा सा बढ़ गया उसमें, तो जरूरत के हिसाब से जीएसटी को डिसाइड किया गया है, पहले भी ऐसा ही था, ऐसा नहीं था, लेकिन अब चीजें और सिंप्लीफाइड हो गई ना कि और कॉम्प्लिकेटेड हुई, पहले से 17 टैक्स हटा करके अभी जो सिंपल टैक्स लगे हैं वो सबको एक ही बार में समझ में आते हैं, नए लोगों को समझ में आते हैं। एज अ स्टूडेंट आप कभी ना कभी बिजनेस डालने की सोचोगे, तो आप बिजनेस डालने की सोचोगे तो आपको आसान है ना समझना टैक्स, आज समझ गया कितना सिंपल है, आपको पता है कि भाई साहब हम ऐसी महंगी, बस आपको ये चेक करना है कि आपका कौन सी टैक्स स्लैब में आता है आइटम, बस और तो कुछ नहीं है। क्लियर है, पक्की बात, समझ गए। तो अब तुम लोगों का ये चैप्टर जो जीएसटी है वो हमारा वैसे तो चलेगा, अभी 2 दिन और चलेगा अपना, लेकिन खत्म हो गया, मतलब कुछ नया नहीं बता पाऊंगा मैं। अब मैं क्या करूंगा, न्यूमेरिकल ही करवाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, किसी में कुछ पूछा होगा किसी में कुछ, लेकिन कुछ भी उनमें ऐसा नहीं पूछा होगा जो कि मैंने बताया ना हो। तो आप क्वेश्चन, कल की छुट्टी है, फ्राइडे अपनी छुट्टी रहती है, कल की हमारी छुट्टी, तो आप लोगों को क्या करना है, समय का सदुपयोग, कैसे करोगे समय का सदुपयोग, क्वेश्चन लगाने हैं। मैं बहुत खुश हो जाऊंगा अगर आप लोग दोनों एक्सरसाइज और सारे एग्जाम्पल लगा के ले आओगे, समझ गया क्या मतलब, 2 दिन आप अगर डाउट पूछोगे ना केवल, तो मुझे बहुत आनंद आएगा, समझ गए क्या, देखते हैं कौन डाउट पूछता है आपको। एग्जाम्पल भी करो ना तो पहले एक बार बिना देखे करना, फिर जब नहीं आए तो देख लेना, उसमें वो कुछ रख देना पहले सामने, कॉपी ही रख लेना और फिर क्वेश्चन को पढ़ना, पढ़ना ही शुरू तब करना, आंसर नहीं देखना, पहले क्वेश्चन करना फिर पढ़ना शुरू करना फिर अगला क्वेश्चन पढ़ना फिर मतलब ऐसे ऐसे करके करना, आंसर बाद में ही देखना, चेक करना आपने सही किया कि नहीं, एग्जाम्पल से शुरू करना, और एग्जाम्पल से करोगे फिर एक्सरसाइज पे आना, पहले एग्जाम्पल निपटाना फिर एक्सरसाइज पे आना। हम चाहते हैं कि आप लोग कल की छुट्टी का फायदा उठाकर कल के कल ही पूरे सवाल खत्म कर लो, अगर आप लोग स्लो चलोगे तो फिर मजबूरी हो जाएगी एज अ टीचर मुझे स्लो चलना, अगर आप लोग फास्ट चलोगे तो हम कई सारी बुक्स पढ़ पाएंगे, एक बुक सेलिना खत्म करके हम एमएल अग्रवाल उठा लेंगे, ठीक है, साउंड्स गुड, क्लास खत्म, धन्यवाद, बाय बच्चों, बाय बेटा, थैंक यू सर, वेलकम बेटा।